कपूर रोड स्थित अखंड धाम पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शहर में पहली बार 1985 में महाराणा प्रताप की जयंती पर शौर्य यात्रा निकालने की शुरुआत करने वाले ठाकुर विजय सिंह परिहार का 75वां जन्मोत्सव आश्रम में सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा करीब 30 वर्ष पहले पहली बार गांधी हॉल से महुनाका स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा तक शौर्य यात्रा निकाली गई थी, जो कि पूरे प्रदेश में पहली यात्रा थी। इसके साथ उनके द्वारा समाज को संगठित कर सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन, दशहरा मिलन जैसा अनेक समाज हितेशी कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई जा रही है। आर्थिक आधारित आरक्षण के लिए हमेशा से अपनी आवाज बुलंद करने वाले परिहार दो बार जागरण रथ यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। यह यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली तक निकाली गई है। उनका मानना है कि देश को बचाना है तो जाति आधारित आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। राजपूत युवाओं को शुरू से मैं संगठित करने के लिए लगा हूँ कि संगठित हो, और दूसरा मैं अभी जो देख रहा हूँ वर्तमान में हमारे राजपूत भाइयों में जो वेशभूषा और अन्य जो राजपूत समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जो प्रवृत्ति बनी है वो तो हम जो चाह रहे थे वो तो हो गई है, पर जो हम चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा इसमें शिक्षा और दूसरा जो ये पाश्चात्य संस्कृति आ रही है इससे थोड़ा बच्चे थोड़ा दूर रह जाएँ और पढ़ाई पर ध्यान दें। और वास्तव में खाली राजपूती वेशभूषा या उससे ही काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जबकि हम कुछ ज़मीन पे करके बताएं। इसलिए उन लोगों से मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि आप लोग अपनी राजपूती वेशभूषा सब चीज़ है बाकी जो फिजूल खर्ची आ गई, क्योंकि सब अब हमारे राजपूत भाई ग्रामीण क्षेत्र के शहर के सब पैसे वाले हो गए हैं, तो फिजूल खर्ची शादियों में आपके गाड़ी में उसमें अन्य उसमें खर्चा कर रहे हैं, उसको देख के मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। मैं कहता हूँ इस पैसे को बचाओ भाई, इसको अपन बर्बाद मत करो, होड़ मत लगाओ इसमें कि शादी में सामने वाले ने ये करा तो हम भी ये करेंगे, मृत्यु भोज में उसने ये करा तो हम ये करेंगे। ये मैं थोड़ा सा उन लोगों को प्रेरणा दे के, और कई लोगों ने इसको छोड़ना शुरू भी कर दिया कि भैया हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अभी कुछ लड़कों ने बिना दहेज की शादी भी करी है, तो उन लोगों को सबको सम्मान किया हमने उनका। यही मैं चाह रहा हूँ युवाओं को कि अपने पैसे को बचाएँ और उस पैसे को समाज सेवा में लगाएं, यही सबसे ज़्यादा हमारी समाज सेवा होगी, देश की सेवा होगी और बच्चों को आगे भविष्य में हम लोग आगे अच्छे पद पे देखें, अच्छे उस पर देखने, ये हमारा वो उद्देश्य। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 124 साल पुरानी संस्था है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अटक से कटक पूरे देश का क्षत्रिय समाज इससे जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में हिंदुस्तान के सभी राजे महाराजे समय समय पर इसके अध्यक्ष रहे हैं और देश में एक ही संस्था ऐसी है जिसको पूरा देश जानता है, और इसका मकसद जो है सारे देश के क्षत्रिय समाज को संगठित करना, समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करना, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मुख्य तौर पर मुद्दा है। और इसको लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, चाहे पांडुचेरी हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे पटना हो, चाहे झारखंड का जमशेदपुर हो, पूरे देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी सिलसिले में आपको विदित होगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 2010 में और 2017 में एक राष्ट्रव्यापी दो रथ यात्राएं निकाली, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए 8.5 महीने की दो यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली निकाली गई। 70,000 किलोमीटर का सफ़र अंदाजन इन दोनों रथ यात्राओं में हमने तय किया और पूरे देश में एक जन आंदोलन के तौर पर जनता को जागृत किया कि जातिगत आरक्षण जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है और इसको समाप्त किया जाए, इसके स्थान पर आर्थिक आधार पर गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए ताकि पूरे देश का
समाज का और राष्ट्र का भला हो सके, और जो देश के मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको विकसित किया जा सके, हर तरीके से उनके फायदे के लिए कार्य किया जा सके। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से यहाँ की हमारी स्थानीय इकाई ने ये फैसला किया कि जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुत वर्षों तक मध्य प्रदेश के महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय श्री विजय सिंह जी परिहार साहब का जो 75वां जन्मदिवस है उसको यहाँ पर मनाया जाए। आदरणीय परिहार साहब का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लिए और क्षत्रिय समाज के लिए और पूरे देश के और समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।